भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद फिर हम वीडियो की तरफ चलेंगे कि जो शेवरलेट्स की जो गाड़ियां हैं उसमें अधिकतर मेरे पास कमेंट्स और फोन कॉल्स आया करते थे कि वीडियोस में आप इस तरीके की कोई फॉल्ट्स के बारे में बताएं जो कि फ्यूज़ के बारे में हो, क्योंकि शेवरलेट में ऐसे फ्यूज़ के बारे में फॉल्ट्स आते हैं जो कि उनको समझ नहीं आते, और फ्यूल्स की वजह से वो फॉल्ट्स की वजह से उन गाड़ियों को रोड पे खड़ा होना पड़ता है। तो मैं शेवरलेट के बारे में आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको फ्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि गाड़ी में फ्यूज़ की वजह से किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस ये शेवरलेट की शेल है जिसके बारे में खास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है लोगों को फ्यूज़ बॉक्स में, तो मैं सबसे पहले आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें जो कहाँ कहाँ फ्यूज़ बॉक्स होते हैं और फ्यूज़ का क्या क्या जगह पर किस जगह पर कहाँ फिटिंग है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये इसका पावर बैंक है, बैटरी है, जहाँ से कि अल्टरनेटर से करंट जनरेट होकर इस बैटरी में सेव होता है और यहाँ से पूरी गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले यहाँ के जो इसके जो कनेक्टर हैं, ये एक कनेक्टर्स के साथ फ्यूज लिंक्स वगैरह जुड़े हुए होते हैं, इन फ्यूज लिंक्स का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से कनेक्ट होकर जो फ्यूज बॉक्स है, इस फ्यूज बॉक्स में सारा करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग फ्यूज बॉक्स दिए जाते हैं, अलग अलग फ्यूज के साथ उसका नंबर भी होता है, 30 नंबर, 40 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जैसा कि उसकी लोड होती है, लोड कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार उस पर करंट दिया जाता है, उसी लोड के हिसाब से उस पर फ्यूज बॉक्स पे फ्यूज लगाया जाता है। तो दोस्तों ये देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे फ्यूज हैं, इसमें कैसे देखें हम कि कौन सा फ्यूज किसका है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपने जो फ्यूज बॉक्स का जो कैप हटाया था, ये वाला, इस कैप के अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप इसके अंदर, इसमें हर फ्यूज के बारे में उसकी डिटेल नोट की हुई है, उसकी डिटेल लिखी हुई है कि कौन सा फ्यूज किस वर्क के लिए और कहां पर काम में लिया गया है और उस फ्यूज का वर्क क्या है। तो आप देख रहे हैं यहां जो ये कनेक्टर लगा हुआ है बोल्ट से 10 नंबर के से, ये डायरेक्ट बैटरी से करंट यहां आ रहा है और यहां से इन सब फ्यूज बॉक्स में फ्यूज होकर के और बाकी सब में जा रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं मोटा वाला, ये इसका रिले, मैन रिले है, और इसके बाद ये रिले है, इसका फैन रिले है, कूलिंग फैन रिले है, और ये एसी फैन रिले है। अगर ये या ये दोनों में से कोई भी अगर खराब हो जाता है आपका, तो आपकी कार बंद हो सकती है वहीं रास्ते पर। मगर अगर आपका एसी वाला चालू है और इनमें से कोई एक खराब हो गया है, तो आप इसमें से एक चेंज करके और अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फ्यूज हैं, ये मोटे वाले फ्यूज हैं, ये आपके जितने भी इग्निशन के सिस्टम वाले होते हैं वो सारे हुए, जैसे कि आपका इंजेक्टर हुआ, आपका कॉयल हुआ, आपका करंट सिस्टम हुआ, और आपके ECM वगैरह जितने भी होते हैं, इन सब के लिए ये सारे फ्यूज होते हैं। और इनके अलावा, इन फ्यूज बॉक्स के अलावा, एक ड्राइवर ओनर के लिए अलग से फ्यूज बॉक्स होता है, जबकि अगर कोई माइनर फॉल्ट आ जाए तो वो माइनर फॉल्ट को वहां से रिपेयर कर सकता है। तो मैं आपको वो फ्यूज बॉक्स भी दिखा रहा हूँ, चलिए। दोस्तों ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के साइड में ही फ्यूज बॉक्स बनाया है कंपनी ने, ड्राइवर राइट हैंड पर बैठता है तो राइट हैंड पर ही उसका फ्यूज बॉक्स बनाया है। तो मैं आपको वो फ्यूज बॉक्स भी बता रहा हूँ जहाँ पर कि कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उस फ्यूज बॉक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये एक दूसरा फ्यूज बॉक्स है, यहाँ आदमी बहुत से कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि जैसे ये आपने देखा ये फ्यूज बॉक्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी इसको खोलेगा उसको ये फ्यूज बॉक्स नहीं दिखेगा, मगर फ्यूज इसके अंदर की तरफ है। तो इसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, इसको इस तरीके से खोलेंगे और आप ये देख पा रहे हैं इसके ऊपर फ्यूज का सारा इंडिकेशन है। मैं इसको बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, मैंने इसको बाहर की तरफ निकाल लिया है, आप देख पाए इसमें सारे फ्यूज के सब कुछ इंडिकेशन है। और मैं आपको अब इसके अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ, वहां फ्यूज दिखाता हूँ आपको। आप देखिए अंदर की तरफ आप फ्यूज देख पा रहे हैं। दोस्तों इसमें आपका जैसे सिगरेट, पावर, सेंट्रल लॉक, कस्टमर, बैकअप
और बहुत सी हॉर्न वगैरह, हैजर्ड वगैरह, रेड राइट फॉग, फ्रंट फॉग, इस तरीके के जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं कार के, उनको इसमें कनेक्ट किया होता है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इनमें से आपके इग्निशन वाले फ्यूज उड़ जाएंगे तो आपके मीटर मर, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे कोई भी लाइट नहीं आएगी। मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। अभी देखिए मेरे इग्निशन की सारी लाइटें आ गई हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर डोर का सिंबल आ रहा है, उसके बाद बैटरी का, उसके बाद ऑयल का, उसके बाद ब्रेक का। ब्रेक अगर मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया तो ये बंद हो जाएगी, और अगर हैंड ब्रेक ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगी। एक स्टार्ट के अंदर अगर ये लाइट आ रही है आपकी कोई सी भी, तो इसका मतलब है उससे रिलेटेड आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। अब आप देखिए दो लाइटें उसमें आ रही हैं। आप एक साइड, इस साइड भी देखिए एक लाइट और आ रही है, ये सीट बेल्ट की लाइट है। और मैं अगर डोर बंद कर लूंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, और मैं हैंड ब्रेक उतार दूंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी। मैंने हैंड ब्रेक उतार दिया है। मैं ये सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, देखिए सीट बेल्ट, जैसे मैं इसमें क्लिप लगाऊंगा मेरी सीट बेल्ट की लाइट बंद हो जाएगी। देखिए, और आप ये देख पा रहे हैं ये दरवाजे वाली लाइट है, जैसे ही मैं दरवाजा बंद करूंगा मेरी ये लाइट भी बंद हो जाएगी। मैंने दरवाजा बंद करना है और ये दरवाजा मैंने खोल दिया। एक भी सिंबल अगर इसमें से दिखता है आपको तो आपके फ्यूज के बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कौन सा फ्यूज उड़ा है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको और भी ऐसी वीडियो देता रहूं, आपका टाइम ना लूं, इसलिए ये वीडियो यहीं तक। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपको अलविदा दोस्तों।